हरियाणा में कुमारी शैलजा को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर दे दिया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कार्यक्रम में कहा कि बहन कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है, हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया है और हम तैयार हैं उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के दलित नेता कुमारी शैलजा का अपमान हुआ, शैलजा को गालियां तक दी गईं और अब वो घर बैठे हैं। खट्टर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गांधी परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा, इस अपमान के बावजूद उन्हें कोई शर्म नहीं आई, आज एक बड़ा वर्ग सोच रहा है कि क्या करें, हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया है और हम तैयार हैं उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए। खट्टर की इस टिप्पणी ने हरियाणा की चुनावी राजनीति में हलचल मचा दी है, खासकर तब जब कुमारी शैलजा पिछले हफ्ते से पार्टी के प्रचार से दूर हैं। हालांकि वो अपने घर पर समर्थकों से मिल रही हैं, लेकिन क्षेत्र में सक्रिय नहीं दिख रही। दलित वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां भी शैलजा को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। 13 सितंबर को शैलजा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन उसके बाद ना ही वो हरियाणा के प्रचार अभियान में शामिल हुई ना ही सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। वहीं कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर खट्टर ने कहा, ये संभावनाओं का संसार है और संभावनाएं टाली नहीं जा सकती, इसलिए समय आने पर इन सबका जवाब मिलेगा। उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाने की बात भी कही। इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जब कांग्रेस अपनी दलित नेता कुमारी शैलजा का सम्मान नहीं कर पाई तो वो प्रदेश के बाकी दलितों का क्या करेगी। शैलजा की नाराजगी ने हरियाणा की चुनावी राजनीति में हलचल मचा दी है। हाल ही में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी शैलजा के बहाने कांग्रेस पर हमला किया था, जिससे ये मुद्दा और गर्मा गया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने हरियाणा में 19 सितंबर को अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आप सब जान लीजिए कि संविधान हमारी पहचान है और आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का भी जिक्र किया और कहा कि आपने देखा होगा हुड्डा के समर्थकों ने शैलजा के बारे में कितनी बुरी बातें कही, वो एक बड़ी दलित नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने राहुल को निशाने पर लेते हुए कहा, हरियाणा की अपनी दलित बेटी इनसे बर्दाश्त नहीं होती, हमारा सम्मान तो ये लोग क्या ही करेंगे। कुमारी शैलजा के लिए हुड्डा के समर्थक कितना बुरा बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता चुप रहे, वो दलितों की बड़ी नेता है, कांग्रेस दलितों को कभी सम्मान नहीं देती और न भविष्य में देगी, हम कुमारी शैलजा का पूरा सम्मान करते हैं। हरियाणा को बताना चाहते हैं कि आप दलित होकर कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा दलित विरोधी ही रहेगी।